गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर इन पेयर नोटबुक। पेज नंबर 96 टेक्स्ट बुक का जो है उसके क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपको मैं समझाती हूँ, वो आपको पेयर नोटबुक में आज करना है। क्वेश्चन वन, हु डू यू थिंक इज टॉकिंग अबाउट द मून। आपको क्या लगता है कि कौन बात कर रहा है, किसके बारे में, मून के बारे में। तो इस जो पोएम है, पोएम के बारे में कौन बात कर रहा है, मून के बारे में। तो कौन बात कर रहा था, देयर वॉज अ गर्ल एंड अ मदर। तो अ चाइल्ड इज टॉकिंग अबाउट द मून, कौन बात कर रहा था, चाइल्ड। सो अ चाइल्ड इज टॉकिंग अबाउट द मून। क्वेश्चन टू, हु इज द चाइल्ड टॉकिंग टू। चाइल्ड तो बात कर रहा है, बट चाइल्ड किससे बात कर रहा था। तो आंसर, द चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिज और हर मदर। अगर वो बॉय है तो हिज मदर, गर्ल है तो हर मदर। तो द चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिज और हर मदर। एक्सरसाइज बी, ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। वहाँ पे पेज नंबर 96 में एक्सरसाइज बी है, जहाँ पे आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ए, द चाइल्ड इज इन द सॉरी द चाइल्ड इन दिस पोयम सेज द मून इज लाइक। जो मून के शेप है उसके बारे में इसको पूछ रहा है कि जो शेप्स थे वो कैसे थे। वन, अ लैम्प। सेकेंड, अ बो। थर्ड, एन ओ। तो कैसा था, अ लैम्प, अ बो, एन ओ, बिग ओ। तो ये है आज आपका क्वेश्चन आंसर। आज आपको करने हैं, आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज ए करना है पेयर नोटबुक में, एक्सरसाइज बी करना है आपको टेक्स्ट बुक में। सो स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स।